अच्छा बेटा, आज हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेट कोलिन बांड। देखो, कल हमने पढ़ा था कोलिन बांड, और कोलिन बांड में आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, और एटम के पास जितने भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन से कोलिन बांड बनता है। जैसे नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो नाइट्रोजन 3 कोलिन बांड बनाएगा। ऑक्सीजन के पास 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 ऑक्सीजन बांड बनाता है कोलिन। जो हेलोजिन हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उनके पास 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो 1 कोलिन बांड बनाते हैं वो। तो एटम क्या करता है, पहले पहले वो कोलिन बांड बनाता है अपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज करके, और उसके बाद जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनसे बनाता है वो कोऑर्डिनेट कोलिन बांड। देखो, पेयर वाले इलेक्ट्रॉन से वो क्या बनाता है, कोऑर्डिनेट कोलिन बांड बनाता है। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनसे बनाता है वो कोऑर्डिनेट कोलिन बांड। और कोऑर्डिनेट कोलिन बांड में भी शेयरिंग होती है, मगर शेयरिंग वन साइडेड होगी। अब देखो, कोलिन बांड में शेयरिंग म्यूचुअल है। म्यूचुअल से मुराद है कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो 1 इलेक्ट्रॉन 1 एटम का होगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का होगा। अगर 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो 2 इलेक्ट्रॉन 1 एटम के होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के होंगे। अगर 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो 3 इलेक्ट्रॉन 1 एटम से आएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से आएंगे। मगर कोऑर्डिनेट कोलिन बांड में जो शेयरिंग होती है, वन साइडेड होती है, म्यूचुअल शेयरिंग नहीं होती, वन साइडेड है। वन साइडेड इसलिए कहता हूं मैं कि दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक ही एटम होया करेगा। बेटा, जो 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एक ही एटम होया करता है, तो इस तरह की शेयरिंग को हम क्या कहते हैं, इस तरह की शेयरिंग से जो बांड बनेगा, उस बांड को कहते हैं कोऑर्डिनेट कोलिन बांड। देखो, उसकी डेफिनेशन है, द बांड विच इज फॉर्म्ड बाय, अच्छा, द बांड इन विच बोथ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आर प्रोवाइडेड बाय वन एटम। ऐसा बांड हो जिसके अंदर दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक ही एटम हो या करें, 2 एटम बॉन्डेड हैं, मगर 2 एटम बॉन्डेड हैं, बांड इस तरह का है कि दोनों बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एक ही एटम हो या कर रहा है। तो याद कर लो, कभी भी एटम में डायरेक्ट कोऑर्डिनेट कोलिन बांड नहीं बनेगा, पहले कोलिन बांड बनेगा, क्योंकि एटम जो है पहले कोलिन बांड बनाता है अपने अनपेयर इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज करके, उसके बाद मजीद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो समझे उनके पास अनयूज पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का, जिसको लोन पेयर कहा जाता है, उसी से बनाता है वो कोऑर्डिनेट कोलिन बांड। फिर जितने लोन पेयर होंगे, उस हिसाब से वो कोऑर्डिनेट कोलिन बांड बनेगा। जैसे पांचवें ग्रुप वालों के पास 1 लोन पेयर होता है, 1 अनयूज पेयर होता है, उसे एक बांड बना सकते हैं। 6 ग्रुप के पास 2 लोन पेयर होते हैं, 2 अनयूज पेयर होते हैं, ठीक है, जिसे 2 कोऑर्डिनेट कोलिन बनाते हैं, मगर 6 ग्रुप में ऑक्सीजन 1 ही कोऑर्डिनेट कोलिन बनाएगा, सल्फर 2 बना लेता है। ऐसे 7वें ग्रुप वाले, उनके पास 3 लोन पेयर होते हैं, 3 अनयूज पेयर होते हैं, जिसे वो 3 कोऑर्डिनेट कोलिन बना सकते हैं अगर बनाना चाहें तो, ठीक है। तो ऐसा बांड जिसमें दोनों बांड इलेक्ट्रॉन एक ही एटम होया करे, उस बांड को कहते हैं कोऑर्डिनेट कोलिन बांड। देखो, डेफिनेशन है बेटा इसकी, द बांड इन विच बोथ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोवाइडेड बाय वन एटम। द बांड इन विच बोथ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोवाइडेड by one atom is called coordinate कोलिन बांड। तो ऐसा बांड जिसमें दोनों बांड इलेक्ट्रॉन एक ही एटम होया करे, उस बांड को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोलिन बांड या डेटिव बांड कहते हैं, जिसमें दोनों बांड इलेक्ट्रॉन एक ही एटम होया करे, ठीक है। अब देखते हैं कि किस तरह कोऑर्डिनेट कोलिन बांड बनता है, ठीक है। तो अब देखो, पहला है बांड बिटवीन अमोनिया एंड BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड,
इज कोऑर्डिनेट कूलेंट। बेटा ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट कूलेंट बॉन्ड है अमोनिया और बी एफ थ्री के दरमियान, क्योंकि अमोनिया के पास लोन पेयर होता है, अमोनिया के पास अनयूज पेयर होता है जो डोनेट करता है बी एफ थ्री को, क्योंकि बी एफ थ्री इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। बेटा बी एफ थ्री इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होता है इसका, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। इधर देखो अमोनिया नाइट्रोजन है ये, और नाइट्रोजन के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के पास पांच इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। इधर देखो, इधर देखो नाइट्रोजन के पास पांच इलेक्ट्रॉन हैं, और पांच इलेक्ट्रॉन में तीन इलेक्ट्रॉन अनपेयर हैं, वो हाइड्रोजन के साथ बांड बनाएगा। देखो यहां पे हाइड्रोजन आ गया, यहां पे हाइड्रोजन आ गया, इधर भी हाइड्रोजन आ गया, अमोनिया का शेल भी कंप्लीट हो गया। अमोनिया के देखो आठ इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, दो चार छह, और अभी भी इसके पास एक लोन पेयर पड़ा है, अनयूज पेयर पड़ा है। बेटा ये लोन पेयर है, इसी लोन पेयर से ये बांड बनाएगा, कौन सा कोऑर्डिनेट कोलिन बांड। अब आते हैं बी एफ थ्री की बात है, अब देखो बी एफ थ्री को बोरान, और उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बेटा, तीन, ये थ्री इलेक्ट्रॉन है बोरान के। अब ये बांड बनाएगा किसके साथ, फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन के पास सात इलेक्ट्रॉन हैं, एक अनपेयर्ड है। इधर देखो बेटा सात इलेक्ट्रॉन हो गए, सेवन इलेक्ट्रॉन्स हो गए फ्लोरीन के पास। अच्छा आप देखो फ्लोरीन का शेल कंप्लीट हो जाएगा, आठ पूरे हो गए, इसके बाद आठ पूरे हो गए, इधर भी फ्लोरीन के देखो आठ इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अच्छा अब देखो बोरान के इलेक्ट्रॉन आठ पूरे नहीं हुए, कितने हुए, सिक्स हुए बेटा, सिक्स इलेक्ट्रॉन हुए हैं, आठ पूरे नहीं हुए। अब क्या होगा, अब ये होगा कि नाइट्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा इसको। बेटा नाइट्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करेगा बॉन्डिंग के लिए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे, और इसके पास जाने के बाद इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो इसको कहेंगे बेटा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये लुईस एसिड है, एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है, ये बेटा इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच है, लुईस बेस है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। बेटा ये डोनेट करेगा, वो एक्सेप्ट करेगा, और इनका शेल दोनों का कंप्लीट हो जाएगा, दोनों का ऑक्टेट देखो पूरा हो जाएगा बांड बनने के बाद। देखो तो अब देखो ये जो बांड बना है ये डेट बांड है, ये डोनर और ये एक्सेप्टर, दोनों का शेल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है अब देखो दोनों का शेल कैसे कंप्लीट होता है, थोड़ी जगह की कमी है, इधर बना लेते हैं इसका स्ट्रक्चर।
यहां पे हाइड्रोजन आएगा, इधर भी हाइड्रोजन आएगा, यहां पे भी हाइड्रोजन, इसका शेल कंप्लीट हो गया, इसका भी कंप्लीट हो गया, इसका भी कंप्लीट हो गया, और जो अमोनिया है इसका शेल भी कंप्लीट है। और आगे आएगा सामने BF3, बोरान आ गया बेटा, इधर फ्लोरीन आएगा, यहां पे भी फ्लोरीन आएगा, इधर भी फ्लोरीन आएगा, सात इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आखिरी शेल में। अब देखो इनका भी शेल कंप्लीट हो गया, किसका मैं बात कर रहा हूं, फ्लोरीन की कंप्लीट। इधर भी देखो इसका शेल कंप्लीट हो गया, इसका भी कंप्लीट हो गया, मगर अब बोरान कैसे शेल कंप्लीट करेगा, बोरान इस तरह शेल कंप्लीट करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन इधर से, देखो एक लोन पेयर यहां से लेगा ये, तब इसका ऑक्टेट पूरा जाकर होगा। देखो अब आठ इसके पूरे हो गए, देखो दो चार छह और ये दो इलेक्ट्रॉन्स नजर पता नहीं आ रहे हैं आप लोगों को, यानी बेटा यहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन ये हो गए, चार छह आठ हो गए, इसका मतलब है बोरान का अब शेल कंप्लीट हो गया। तो बोरान ने इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया है और अमोनिया ने डोनेट किया है, तो इनके बांड बना है ये कोऑर्डिनेट कोलिन बांड है। तो बेटा देखो NH3 और BF3 के दरमियान जो बांड बना है ये कोऑर्डिनेट कोलिन बांड है, जिसमें दोनों बांड इलेक्ट्रॉन एक ही एटम ने मुहैया किए, नाइट्रोजन ने दिए, किसको बोरान को दिए अपने शेल को पूरा करने के लिए। तो ऐसा बांड हो जिसमें दोनों बांड इलेक्ट्रॉन एक ही एटम मुहैया करेगा उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोलिन बांड। अच्छा और एग्जांपल देखते हैं इसकी, बॉन्ड बिटवीन एच टू एंड प्रोटॉन, बेटा प्रोटॉन कितने हाइड्रोजन आयन को, प्रोटॉन किसको कहा जाता है, हाइड्रोजन आयन को कहा जाता है, टू फॉर्म हाइड्रोनियम, ये कोऑर्डिनेट कोलिन बांड है बेटा। इधर देखो वाटर को देख लो, दो इलेक्ट्रॉन अनपेड है ऑक्सीजन के पास, ऑक्सीजन के पास सिक्स इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन अनपेड हैं, ठीक है। अच्छा पहले अनपेड इलेक्ट्रॉन से वो बांड बनाएगा कोलिन, बेटा एक हाइड्रोजन यहां पे आएगी, एक हाइड्रोजन यहां पे आ जाएगी, ये भी कोलिन बांड बन गया, यहां पे भी कोलिन बांड। अब ऑक्सीजन का शेल भी कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट पूरा हो गया इसका, ऑक्सीजन के आठ इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब यहां पे आ जाता है हाइड्रोजन आयन, बेटा हाइड्रोजन आयन के पास कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, आयन है ये, इसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया है, इस आयन को दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, ये हाइड्रोजन आयन इसको दो इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने शेल को पूरा करने के लिए। तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेंगे इसको, दोनों इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, ये दोनों बांड इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन देगा और ये बनेगा डेटिव बांड। इसको देखो इस तरह ऑक्सीजन यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, इसका शेल कंप्लीट हो गया, इसका भी कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन का पहले आपको बताया कंप्लीट हो गया। अब कौन आएगा, आएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आएगा, ये हाइड्रोजन, और ये जो बांड बना है ये कोऑर्डिनेट कोलिन बांड बना है।
बेटा ये जो हाइड्रोजन है ये बनाए कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि दोनों बॉन्ड इलेक्ट्रॉन किसके हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के हैं, जिसे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाए। अच्छा इसको शो करते हैं एरो से, बेटा इस तरह शो करते हैं। ये बांड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड है जिसको एरो से शो किया गया है। ऑक्सीजन के ऊपर पांचों चार्ज आ जाएगी, ऑक्सीजन डोनर है इसलिए, ठीक है, हाइड्रोजन आयन बन गया। उसके बाद है बांड बिटवीन अमोनिया एंड हाइड्रोजन आयन, टू फॉर्म अमोनियम आयन। ये भी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड है बेटा, अमोनिया और हाइड्रोजन आयन के दरमियान बांड। देखो NH3 नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, पांच इलेक्ट्रॉन से तीन अनपेयर्ड हैं बेटा, तीन इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं। एक हाइड्रोजन यहां पे आ जाती है, एक हाइड्रोजन यहां पे आ जाती है, एक हाइड्रोजन यहां पे आ जाती है। इसका शेल कंप्लीट, इसका शेल कंप्लीट, इसका शेल कंप्लीट। अमोनिया का शेल भी कंप्लीट, ठीक है, शेल तो कंप्लीट हो गया सबका, ऑक्टेट तो पूरा हो गया। अभी भी देखो इसके पास एक अनयूज्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, और ये लोन पेयर किसी को भी डोनेट कर सकता है ये। अच्छा यहां पे आ जाता है हाइड्रोजन, बेटा हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन को दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, दोनों इलेक्ट्रॉन कौन प्रोवाइड करेगा इसको बेटा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के लिए देगा नाइट्रोजन, और इसका शेल भी पूरा हो जाएगा, इसके दो इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे और बनेगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इधर देखो बेटा यहां पे हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, यहां भी हाइड्रोजन एटम है, इसका शेल कंप्लीट हो गया। ये म्यूचुअल शेयरिंग है, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। यहां पे हाइड्रोजन आयन हो गया, ये जो बॉन्ड बना है ये डेटो बॉन्ड है, क्योंकि इसमें दोनों बॉन्ड इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हैं जो हाइड्रोजन को इसने दिए हैं, तो ये जो बॉन्ड है ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। इसको इस तरह लिखेंगे हम, एरो से फ्रॉम डोनर टू एक्सेप्टर। तो देखो अमोनिया के अंदर कोवेलेंट बांड, बेटा अमोनिया के अंदर कोवेलेंट बांड है, इसके अंदर कोवेलेंट बांड। अब जो अमोनिया और एच आयन के दरमियान बांड बनेगा वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बांड होगा। अगर अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन के दरमियान बांड बनेगा, और अमोनियम क्लोराइड बनेगा, ये बांड आयनिक होगा क्योंकि केटाइन और एनायन के दरमियान बना है। अभी जो ये बना है, तो अमोनियम क्लोराइड में तीनों बांड मौजूद हैं बेटा, NH4Cl में कोवेलेंट बांड भी है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट भी है, और कौन सा है आयनिक बांड भी है, तीनों बांड मौजूद हैं। देखो अमोनिया के अंदर कोवेलेंट बांड,
अमोनिया जब एच आयन के साथ बंध बनाएगा अमोनियम आयन बनाएगा तो कोऑर्डिनेट कोलिन बंध, और अमोनियम आयन जब क्लोरीन के साथ बंध बनाएगा तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा तो आयनिक बंध। तो बेटा अमोनियम क्लोराइड के अंदर तीन बंध मौजूद हैं, कोलिन भी है, कोऑर्डिनेट कोलिन भी है और आयनिक भी है अमोनियम और क्लोरिन के दरमियान, अमोनियम आयन और क्लोराइड आयन के दरमियान बंध आयनिक है। अच्छा ईथर बेटा आर ओ आर, तो बॉन्ड बिटवीन डाइथल ईथर एंड हाइड्रोजन आयन, ठीक है, इस कोऑर्डिनेट कोलिन। बेटा बांड किसके दरमियान, डाइथल ईथर और हाइड्रोजन आयन के दरमियान, डाइथल ईथर और हाइड्रोजन आयन के दरमियान बांड जो है वो भी कोऑर्डिनेट कोलिन बांड है। वैसे ईथर को हम जनरली इस तरह भी लिखते हैं आर ओ आर करके, ऐसे भी लिखते हैं ईथर को जनरली। आर का मतलब अल्काइल ग्रुप, बेटा आर वैसे अल्काइल ग्रुप है, अगर मैं डाइ इथाइल इथाइल लिखता हूं तो दोनों इथाइल ग्रुप लगाने पड़ेंगे मुझे, ठीक है, नहीं तो जनरली आर ओ आर भी लिखा जाता है, कभी कभी हो सकता है ऐसे भी लिखा हो आर ओ आर दो अल्काइल ग्रुप हो। तो ऑक्सीजन के पास देखो दो लोन पेयर भी हैं, देखो और प्लस एच आइन, तो ये लोन पेयर डोनेट करेगा किसको, एच आइन को। जो इथर है, इथर के पास ऑक्सीजन, याद कर लो बेटा ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होते हैं, दो अनयूज पेयर हैं, और वो उससे तीसरा बांड बना सकता है ऑक्सीजन, वो कोऑर्डिनेट कोलिन बांड होगा। देखो इनके दरमियान जो बांड बनेगा ये कोऑर्डिनेट कोलिन बांड होगा, इस तरह बन जाएगा इसे, और पांचवी चार जाएगी इसके ऊपर, तो ये कोऑर्डिनेट कोलिन बांड है, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर प्लस की चार्ज आ गई है, और इसको जनरली वैसे ऑक्सोनियम आयन भी कहा जाता है। ऑक्सोनियम आयन वो आयन होता है बेटा जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर प्लस की चार्ज हो, तो उस आयन को कहते हैं ऑक्सोनियम आयन। तो ये हो गया कोऑर्डिनेट कोलिन बांड। तो बेटा कोऑर्डिनेट कोलिन बांड किसके अंदर मौजूद है, अच्छा POCl3, इसमें कोऑर्डिनेट कोलिन बांड मौजूद है। देखो कैसे, चलो पहले बात लिखवा देता हूं, ओजोन के अंदर कोऑर्डिनेट कोलिन बांड मौजूद है बेटा, ओजोन के अंदर कोऑर्डिनेट कोलिन बांड मौजूद है, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर कोऑर्डिनेट कोलिन बांड मौजूद है, HClO4 में कोऑर्डिनेट कोलिन बांड मौजूद है, HNO3 में कोऑर्डिनेट कोलिन बांड मौजूद है, H3PO4 में कोऑर्डिनेट कोलिन बांड मौजूद है। बेटा H3PO4 के अंदर भी कोऑर्डिनेट कोलिन बांड मौजूद है क्योंकि फास्फोरस के पास लोन पेयर है, वो कोऑर्डिनेट कोलिन बांड बना लेता है, ठीक है। अच्छा HCl4 नेगेटिव है इसके अंदर कोऑर्डिनेट, FeCl4 है इसके अंदर कोऑर्डिनेट कोलिन बांड, बेटा AlCl4 नेगेटिव के अंदर कोऑर्डिनेट कोलिन बांड है, FeCl4 नेगेटिव के अंदर कोऑर्डिनेट कोलिन बांड है। अच्छा सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर कोऑर्डिनेट, सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर कोऑर्डिनेट कोलिन बांड मौजूद है, ठीक है। तो ये जितनी एग्जांपल मुझे याद आ रही थी मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे भी स्ट्रक्चर बनाने के बाद ही पता चलेगा इसके अंदर कोऑर्डिनेट कोलिन बांड है या नहीं है, ठीक है। अच्छा नाइट्रोमीथेन के अंदर कोऑर्डिनेट कोलिन बांड मौजूद है,
ठीक है, नाइट्रोमीथेन के अंदर, इसका मतलब है एनओ थ्री आयन के अंदर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होगा, एनओ थ्री आयन के अंदर, एनओ टू आयन के अंदर भी होगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा अब आते हैं पीसीओ पीओसीएल थ्री के अंदर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। बेटा देखो फास्फोरस है, फास्फोरस के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पांच आखिरी शेल में, एक दो तीन अनपेयर्ड और एक लोन पेयर, पांच इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक लोन पेयर है। अच्छा यहां पे क्लोरीन आ जाता है और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से लिख देता हूं, यहां पे भी क्लोरीन है बेटा, यहां पे भी क्लोरीन मौजूद है, ठीक है। अब देखो इनका शेल कंप्लीट हो गया, इसका भी कंप्लीट हो गया, इसका भी शेल कंप्लीट हो गया, और फास्फोरस का शेल भी कंप्लीट हो गया, आठ पूरे हो गए, आठ पूरे हो गए। अभी भी इसके पास लोन पेयर मौजूद है, अभी भी देखो इसके अंदर एक लोन पेयर मौजूद है। अब ये बनाएगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड किसके साथ, ये बनाएगा ऑक्सीजन के साथ। अच्छा यहां पे बेटा ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास दो चार छह इलेक्ट्रॉन अपने हैं, तो दो की जरूरत है इसको ऑक्सीजन को, तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसने प्रोवाइड किए, फास्फोरस ने, तो बनेगा कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इधर क्लोरीन, यहां पे क्लोरीन, यहां पे क्लोरीन, और ये हो गया डेटा बॉन्ड। सल्फ्यूरिक एसिड में आपको मैं बता देता हूं कि ऐसा होता है बेटा, और जो डेटा बॉन्ड है उसको दो लाइन से भी शो कर सकते हैं हम, क्योंकि डेटा बॉन्ड जो है समझा जाता है उसके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड होता है, ये डेटा बॉन्ड, ये डेटा बॉन्ड, इधर OH, इधर OH, ये दोनों लोन पेयर से बॉन्ड बने, ये बेटा दोनों लोन पेयर से बने, इसको आप ऐसे भी शो कर सकते हो, ये दोनों लोन पेयर से बने सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा नाइट्रोमीथेन के अंदर स्ट्रक्चर ऐसे बनता है बेटा, हाइड्रोजन कार्बन इनका सिंगल बॉन्ड, यहां पे नाइट्रोजन आएगा, यहां पे आएगा डबल बॉन्ड, यहां पे आएगा डेटा बॉन्ड, ये नाइट्रोमीथेन के अंदर ये डेटा बॉन्ड है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहां पे डेटा बॉन्ड लगा दो, यहां पे डबल बॉन्ड लगा दो, जिसको कहते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो बेटा ये था कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड वही एटम बना सकता है जिनके पास लोन पेयर मौजूद है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, पांचवें ग्रुप वाले बना सकते हैं उनके पास लोन पेयर है नाइट्रोजन फास्फोरस के पास, छठे ग्रुप वाले ऑक्सीजन सल्फर के पास लोन पेयर है, सातवें ग्रुप वाले बना सकते हैं बेटा, जो सातवें ग्रुप वाला HClO4 है देखो Cl क्लोरीन, ये डेटा बॉन्ड बनाएगा, इधर डेटा बॉन्ड, यहां पे भी डेटा बॉन्ड, और ये OH, ये बन गया HClO4, क्योंकि क्लोरीन के पास जो तीन लोन पेयर थे, इस ऑक्सीजन को एक लोन पेयर दिया, इस ऑक्सीजन को दूसरा लोन पेयर दिया, इस ऑक्सीजन को तीसरा लोन पेयर दिया, और बाकी जो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर था उसी से कोवेलेंट बॉन्ड बनाया OH के साथ, तो ये HClO4 हो गया, ये बेटा HClO4 का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो बस ये एग्जांपल याद कर लो, जो बुक में एग्जांपल थी बेटा फेडरल के सिलेबस के अंदर, वो सारी आपको मैंने सॉरी इनके अंदर जो पंजाब के अंदर सिलेबस में जितनी भी एग्जांपल थी वो आपको मैंने पढ़ा दी है। अब आते हैं, अब दो तीन टॉपिक और भी हैं इससे रिलेटेड, ठीक है, सीक्वेंस के हिसाब से। अब आते हैं आयनिक कैरेक्टर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, बेटा आयनिक कैरेक्टर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, जो कोवेलेंट बॉन्ड हमने पढ़ा है उसका आयनिक कैरेक्टर,
ठीक है बेटा, आयनिक करेक्टर ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड, जो कोवलेंट बॉन्ड का आयनिक करेक्टर। तो बेटा देखो, एक होते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, देखो एक कोवलेंट बॉन्ड ऐसे जो नॉन पोलर है, Cl2O2N2। देखो Cl2 में O2N2, यह है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। या पेयर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर एटम आइडेंटिकल हैं। एटम क्या इनके अंदर बेटा, आइडेंटिकल एटम है, एक जैसे एटम है। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन से मैंने 7 आ गए हैं। अच्छा देखो बेटा, ये शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, अपना ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं, मगर दोनों एटम की इलेक्ट्रॉन बराबर है। ये शेयर्ड पेयर है, इस पेयर को कहते हैं शेयर्ड पेयर, ठीक है बेटा। दोनों की इलेक्ट्रॉन आइडेंटिकल है, दोनों की इलेक्ट्रॉन बराबर है, तो कोई भी एटम शेयर्ड पेयर को ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करेगा, बराबर अट्रैक्ट करेंगे शेयर्ड पेयर को, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी दोनों एटम के ऊपर। बॉन्ड बनेगा नॉन पोलर, जो बॉन्ड बनेगा वो नॉन पोलर होगा या प्योर कोवलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। इसके अंदर समझें कि आयन क्रिएटर है ही नहीं, आयन बनेगा ही नहीं इसके अंदर, चार्ज की सेपरेशन नहीं होगी, इक्वली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी दोनों एटम के ऊपर। Cl2O2N2H2I2 ये सभी नॉन पोलर है। जो बॉन्ड बेटा डिफरेंट एटम के दरमियान बनता है, देखो बॉन्ड किसके दरमियान बनता है, डिफरेंट एटम के दरमियान, HF वाटर, इसमें सुरता डिफरेंट है बेटा। HF के अंदर देखोगे, वाटर के अंदर देखोगे, एटम डिफरेंट है और इलेक्ट्रॉन भी डिफरेंट है। अब देखो HF में H के पास 1 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। अब इसके कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा। अब फ्लोरीन का भी शेल पूरा गया, हाइड्रोजन का भी कंप्लीट हो गया, मगर फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है बेटा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होती है, वो शेयर पेयर को ज्यादा अट्रैक्ट करता है, जो बॉन्ड बनेगा इनके दरमियान उनको ज्यादा कौन अट्रैक्ट करेगा, फ्लोरीन। फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, तो ऐसे बॉन्ड को कहते हैं पोलर बॉन्ड। पोल बन गए, और जो पोलर बॉन्ड है वो बेटा 100% कोवेलेंट नहीं होगा, उनके अंदर आयनिक करेक्टर होगा। तो HF के अंदर आयनिक करेक्टर है, और ये आयनिक करेक्टर डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस पे, जितना इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस ज्यादा होगा आयनिक करेक्टर भी उतना ज्यादा होगा। तो आयनिक करेक्टर डिपेंड अपॉन डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिटी, इफ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन आयनिक करेक्टर इज मोर, ठीक है। तो आयनिक करेक्टर पार्शियल आयनिक करेक्टर, डिपेंड्स अपॉन डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिटी, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर देन पार्शियल आयनिक करेक्टर इज मोर। जितना इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा उतना पार्शियल आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा। इसमें तो इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस जीरो आ रहा है, इसके अंदर देखो इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस क्या आ रहा है, जीरो आएगा, 3 - 3 बराबर जीरो आएगा, ठीक है। तो उसमें जो होगा पार्शियल आयनिक करेक्टर होगा भी नहीं,
ऐसे मॉलिक्यूल्स के अंदर पार्शियल आयनिक रेटर होगा, एचएफ के अंदर, वाटर के अंदर देख लो, वाटर के अंदर भी देख लो बेटा, ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के पास सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पे हाइड्रोजन आ जाएगा, ये भी हाइड्रोजन, इसका भी शेल कंप्लीट हो गया, इसका भी कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट इसका भी कंप्लीट हो गया है, मगर यहां पे क्या हुआ बेटा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा है, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, शेल पेयर को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, इधर दो। तो बेटा ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें पोल बन जाएं, पॉजिटिव नेगेटिव पोल बन जाएं, तो ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। और जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं वो 100% कोल नहीं होते, उनके अंदर आयनिक रेटर होता है, और वो आयनिक रेटर डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन के डिफरेंस पे, जितना इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस ज्यादा होगा उतना पार्शियल आयनिक रेटर ज्यादा होगा, और पार्शियल आयनिक रेटर बढ़ने से क्या होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाते हैं बेटा, जिनके अंदर पार्शियल आयनिक रेटर मोर होगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होंगे, ठीक है, पार्शियल आयनिक रेटर मोर, करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, बॉइलिंग पॉइंट के, मतलब जितना पार्शियल आयनिक रेटर ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, पार्शियल आयनिक रेटर जितना ज्यादा होगा बांड एनर्जी ज्यादा होगी, उतनी बांड एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी। अच्छा, और पार्शियल आयनिक रिएक्टर बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बेटा बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पार्शियल आयनिक रिएक्टर जितना ज्यादा होगा बॉन्ड लेंथ उतना शॉर्ट हो जाता है, ठीक है, और बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाती है। तो अब देखो एचएफ, इसको मैं मिटा देता हूं, उधर देखो एचएफ को देख लो बेटा, इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस निकालो, डिफरेंस 4-1 और 2.1 1.9 HCl, -2.1, 0.9 का डिफरेंस है, HBr 2.8 और 3, -2.1, 0.7 का डिफरेंस है, एच आई इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस जो आ रहा है 2.5, -2.1, 0.4 का डिफरेंस है। तो बेटा जितना इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस ज्यादा होगा, आयनिक रेटर ज्यादा होगा, देखो जितना भी इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस ज्यादा होगा आयनिक रेटर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, आयनिक रेटर ज्यादा किस में होगा, एचएफ में ज्यादा है, देन एचसीएल, देन एचबीआर, देन एचआई, तो एचएफ में ज्यादा होगा आयनिक रेटर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस ज्यादा है, जितना इलेक्ट्रॉन डिफरेंस ज्यादा होगा आयनिक रेटर ज्यादा, तो एचएफ की बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी,
और एचएफ का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा, मजबूत बॉन्ड होगा, पोलर बॉन्ड है ना, ज्यादा स्ट्रांग पोलर बॉन्ड होगा और बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाएगी एचएफ की। एचएफ की जो बॉन्ड लेंथ होगी बेटा शॉर्ट हो जाएगी, जो आपने कैलकुलेटेड वैल्यू की है ना उसी से भी कम हो जाएगी, क्योंकि इतना दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एच और एफ इतना अट्रैक्ट करेंगे कि बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाएगी। वैसे एक्सपेक्टेड जो बॉन्ड लेंथ होती है इनकी वो 1.10 है शायद, 1.10 है, 1.01 है शायद, मगर एक्चुअल वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.92। किसकी वजह से? ये पार्शियल आयनिक रिएक्टर की वजह से बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगी इनकी और बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी बेटा, बॉन्ड जो एनर्जी है वो ज्यादा हो जाएगी। तो ये हो गया पार्शियल आयनिक रिएक्टर बेटा। पार्शियल जो आयनिक रिएक्टर होता है ये होता है कोवलेंट बॉन्ड के अंदर, पोलर कोवलेंट बॉन्ड के अंदर, जितनी पोलरिटी ज्यादा होगी बॉन्ड की उतना पार्शियल आयनिक रिएक्टर ज्यादा होगा, इसलिए आपको इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना पार्शियल आयनिक रिएक्टर ज्यादा होगा। नोट कर दो ये, कोई भी अगर दो एटम की आपका पूछा जाता है कि पार्शियल आयनिक रिएक्टर ज्यादा है या कम है, तो इलेक्ट्रॉन का फर्क निकालें, जितना ज्यादा फर्क आएगा इलेक्ट्रॉन का उतना आयनिक रिएक्टर ज्यादा होगा और उतना बॉन्ड भी ज्यादा मजबूत होगा। अब उसके बाद टॉपिक है बॉन्ड एनर्जी, उसके बाद बेटा सिग्मा पाई बॉन्ड या शेप ऑफ द मॉलिक्यूल उसके बाद हम पढ़ेंगे, क्योंकि एक्चुअली ये टॉपिक इन्हीं से रिलेटेड है, ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम शेप ऑफ द मॉलिक्यूल भी पढ़ लेंगे और हाइब्रिडाइजेशन भी पढ़ लेंगे, ठीक है, ये टॉपिक बाद में आएंगे, उसके बाद सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पढ़ेंगे, उसके बाद बस उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बेटा बॉन्ड एनर्जी, देखो बॉन्ड एनर्जी है क्या कि केमिकल रिएक्शन के दौरान बेटा कोई भी रिएक्शन होता है ना उनके दरमियान पुराने बॉन्ड टूटते हैं नए बॉन्ड बनते हैं, मतलब ओल्ड जो बॉन्ड है वो टूटेंगे और उसकी जगह पे नए बॉन्ड बनेंगे। अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके अमोनिया बनाएंगे तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करके अगर अमोनिया बनाएंगे तो नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा, नाइट्रोजन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है मॉलिक्यूल में वो टूटेगा तभी नाइट्रोजन हिस्सा लेगा रिएक्शन में, हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड टूटेगा तब रिएक्शन में हिस्सा लेगा हाइड्रोजन, उसके बाद नए बॉन्ड बनेंगे NH3। तो रिएक्शन में पुराने बॉन्ड होते हैं वो बेटा ब्रेक होते हैं रिएक्शन के दौरान और उनको ब्रेक करने के लिए एनर्जी दी जाती है और जो नए बॉन्ड बनते हैं न्यू बॉन्ड बनते हैं उनमें एनर्जी रिलीज होती है। फिर हम हिसाब किताब करते हैं कि भाई बॉन्ड टूटे कितने, बॉन्ड ब्रेक कितने हुए हैं और ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी दी गई और जो नए बॉन्ड बने हैं उनमें एनर्जी कितनी रिलीज हुई है। जो बॉन्ड टूटेंगे उनके लिए साइन प्लस की लेंगे हम, क्योंकि बॉन्ड ब्रेकिंग बॉन्ड एंडोथर्मिक है और जो मेकिंग बॉन्ड है एक्सोथर्मिक है। तो फिर हम देखेंगे एब्जॉर्ब कितनी हुई है और रिलीज कितनी हुई है। अगर रिलीज ज्यादा हो गई, मतलब सपोज करते हैं एब्जॉर्ब कम हुई है और रिलीज ज्यादा हुई है, तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो जाए, ठीक है। अच्छा, अगर रिलीज कम हुई है और एब्जॉर्ब ज्यादा हुई है तो एंडोथर्मिक हो जाएगा। तो रिएक्शन का बेटा एंडोथर्मिक होना या एक्सोथर्मिक होना ये डिपेंड करता है कि कितने बॉन्ड टूटे हैं, कितने बॉन्ड नए बॉन्ड बने हैं, ठीक है। तो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड को भी देखेंगे, मेकिंग ऑफ बॉन्ड को भी देखते हैं, ठीक है। मगर हम बॉन्ड एनर्जी का मतलब है अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, ये बॉन्ड एनर्जी है, मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी, और जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को भी बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बॉन्ड एनर्जी है, एक्चुअली बॉन्ड जो बनता है उसके लिए एनर्जी चाहिए उसको भी हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। और वैसे भी जब दो एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं और मॉलिक्यूल की एनर्जी कम हो जाती है और मॉलिक्यूल स्टेबल बन जाता है और फिर उसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है हमें, तब बॉन्ड टूटेगा, अदरवाइज बॉन्ड ही नहीं टूटेगा, बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा। और मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी डिपेंड करती है बॉन्ड एनर्जी पे, जितना बेटा एनर्जी ज्यादा है बॉन्ड एनर्जी उतना बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा, मजबूत बॉन्ड बनेगा। फिर क्या होगा, रिएक्टिविटी कम होगी इसकी, क्यों रिएक्टिविटी इसलिए कम होगी कि उसको बॉन्ड तोड़ना मुश्किल हो जाएगा हमें, उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी यूटिलाइज हो रही है। इसका मतलब है जितनी हाई बॉन्ड एनर्जी होगी बेटा उतनी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होगा और रिएक्टिविटी कम होगी इसकी, क्योंकि एनर्जी इतनी ज्यादा रिलीज हो गई है कि उसको फिर तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल स्टेबल है।
तो स्टेबल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन है स्टेबल मॉलिक्यूल, रिएक्टिका में नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन एयर में सारा दिन कोलाइड होते रहते हैं, रिएक्शन होता ही नहीं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अगर हम सिलेंडर में बंद करते रिएक्शन नहीं होगा, एक सिलेंडर के अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को बंद करेंगे रिएक्शन होगा ही नहीं। क्यों? ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है जो स्टेबल बॉन्ड है, हाइड्रोजन में सिंगल बॉन्ड भी स्टेबल है, उनको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो रूम टेम्परेचर पर उनका रिएक्शन नहीं होगा। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को रूम टेम्परेचर पर बंद करेंगे रिएक्शन नहीं होगा। एयर के अंदर नाइट्रोजन ऑक्सीजन का रिएक्शन होता ही नहीं आपस में, जब आसमान बिजली गिरती है इनके ऊपर मतलब इनका रिएक्शन हो जाता है, अदरवाइज इनका रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि इनके बॉन्ड ही नहीं टूटते नॉर्मली, इनके नॉर्मल कंडीशन में बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होंगे, इसलिए इनकी रिएक्टिविटी को लो होगी। तो देखो बेटा, बॉन्ड एनर्जी है अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, ठीक है, यह है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बॉन्ड, ठीक है बेटा, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए बॉन्ड इन डायटमिक मॉलिक्यूल, या अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है, या क्या कहेंगे इसको हम, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इन बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन टू डायटमिक, ठीक है, बिटवीन टू एटम्स, ठीक है, दो एटम के दरमियान अगर कोई बॉन्ड बनता है तो बेटा जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को भी हम बॉन्ड एनर्जी कहते हैं, या दो एटम के दरमियान जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। अच्छा, यूनिट क्या होगा इसका, किलो जूल पर मोल, इसका मतलब है पूरे मोल के बॉन्ड टूटेंगे। अब देखो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, ये मिलकर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड बनेगा, एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी 436। बेटा सिंध के सिलेबस में 435 है, 436 दूसरे बुक्स में लिखी हुई है, क्योंकि वैल्यूज का मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि एक दो यूनिट का फर्क है ये हर बुक के अंदर, ठीक है। और ये है बॉन्ड एनर्जी है, ये एनर्जी रिलीज हुई है क्योंकि बॉन्ड बना है, और जब ये बॉन्ड तोड़ेंगे हम तो एनर्जी देनी पड़ेगी, कितनी, उतनी देनी पड़ेगी जितनी बनी मतलब बनने के दौरान खारिज हुई थी, 436। ये भी बॉन्ड एनर्जी है, तो इसका मतलब है बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड तोड़ने की भी एनर्जी है, बनने की भी एनर्जी है। अब आते हैं ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन जाता है, इसमें डबल बॉन्ड होता है, और एनर्जी कितनी रिलीज होती है, 498 किलो जूल। अच्छा, जब तोड़ेंगे तो दो एटम अलग हो जाएंगे, एनर्जी देनी पड़ेगी, प्लस की साइन होगी, फोर नाइनटी एट। फिर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन
एटम और नाइट्रोजन एटम मिलकर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होता है नाइट्रोजन में। कितनी रिलीज होगी? 946 किलोजूल पर मोल। अब जब इनको बांड को ब्रेक करेंगे तो दो नाइट्रोजन एटम अलग हो जाएंगे और एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी? 946। तो अब देखो ये बांड मजबूत बांड है, इसकी रिएक्टिविटी कम होगी बेटा, क्योंकि एनर्जी ज्यादा देनी पड़ रही है बांड को तोड़ने के लिए, 946 देनी पड़ रही है किलोजूल पर मोल। अच्छा तो बांड एनर्जी है क्या बेटा? बांड एनर्जी जो है वो मेजर है स्ट्रेंथ ऑफ द बांड, बांड की मजबूती बेटा, जो बांड की मजबूती है, बांड की स्ट्रेंथ है, उसका पता चलता है बांड एनर्जी से। जितनी बांड एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी इसका मतलब बांड ज्यादा स्ट्रांग बांड होगा, ज्यादा मजबूत बांड होगा। तो बांड एनर्जी ऑफ पोलर बांड इज मोर देन नॉन पोलर, बांड एनर्जी ऑफ पोलर बांड इज मोर देन नॉन पोलर। देखो पोलर बांड इज मोर देन नॉन पोलर, ये बात हर जगह सही नहीं है बेटा, हर जगह ऐसा सही नहीं होता। अब ये भी नॉन पोलर, इसकी बांड जी बहुत हाई है मगर इसके अंदर ट्रिपल बांड है, O2 भी नॉन पोलर है। तो ये मतलब नहीं क्या ऐसा है कि हर नॉन पोलर बांड की जो बांड जी वो कम है पोलर से, ऐसा बात नहीं है। कंपेरिजन में देखेंगे उस बांड को। अब कंपेरिजन किसकी की गई है? यहां HCl की गई है बेटा, HCl ये पोलर है, H अलग हो जाएगा Cl अलग हो जाएगा, इसकी जो बांड एनर्जी है शायद 431 है या 430 है किलोजूल पर मोल, 430 है इसको तोड़ने की एनर्जी। और क्लोरीन का जो नॉन पोलर, ये पोलर बांड है बेटा, ये पोलर है, और क्लोरीन क्लोरीन का नॉन पोलर बांड इसकी वैल्यू शायद 244 है या 242 है, क्योंकि एक जगह 244 भी लिखा हुआ है, एक जगह 242 भी लिखा हुआ है, मगर फिर भी कम तो है वैल्यू, उसकी ज्यादा वैल्यू है। इसका मतलब है पोलर बांड की जो बांड एनर्जी है वो ज्यादा है बेटा, पोलर बांड की बांड एनर्जी ज्यादा होती है नॉन पोलर से, ठीक है एक बात। अच्छा बांड एनर्जी डिपेंड्स अपॉन पार्शियल आयनिक रेट, पार्शियल आयनिक रेट पर डिपेंड करती है। बांड एनर्जी किस पे डिपेंड करती है बेटा? पार्शियल आयनिक रेट पे। पार्शियल आयनिक रेट इज मोर, बांड एनर्जी इज मोर। देखो बेटा पार्शियल आयनिक रेट इज मोर, ठीक है पार्शियल आयनिक रेट ज्यादा होगा तो बांड एनर्जी की वैल्यू हाई होगी। अब देखो HF की बांड एनर्जी हाई है HCl से, HCl की ज्यादा है HBr से, HBr की ज्यादा है HI से, तो HF की बांड एनर्जी 565 है किलोजूल, 565 है, HCl की 431 है और HBr की शायद 360 है या 365 है, और HI की 290 है या 297 वैल्यू है इसकी बांड एनर्जी की। तो बांड एनर्जी HF की ज्यादा होगी बेटा, बांड एनर्जी HF की है वो ज्यादा है, 565 है, 565 है, बहुत हाई है। क्यों? पार्शियल आयनिक रेट ज्यादा है, पार्शियल आयनिक रेट डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस पे, और जितना इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस ज्यादा होगा
उतना पार्शियल आयन डिक्रेटर ज्यादा होगा, बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी, बॉन्ड मजबूत बन जाएगा। ठीक है, अभी पढ़ा था हमने पार्शियल आयन डिक्रेटर जिसका ज्यादा होता है ना, ठीक है बेटा, उसका बॉन्ड ज्यादा मजबूत बॉन्ड होता है, ठीक है, उसकी बॉन्ड लाइन शॉर्ट हो जाती है, बॉन्ड स्ट्रांग बन जाता है, एनर्जी ज्यादा चाहिए उसको तोड़ने के लिए। अच्छा, तो बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है बॉन्ड लेंथ पे, बेटा बॉन्ड डिपेंड किस पे करती है, बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करती है, बॉन्ड की लेंथ पे। ठीक है, अगर बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगी तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगी। बेटा बॉन्ड लेंथ शॉर्ट है, शॉर्ट बॉन्ड लेंथ होगा तो बॉन्ड एनर्जी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। इसका मतलब है बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ का रिलेशनशिप इनवर्स है, बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बॉन्ड लेंथ की जितनी बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगी बेटा, जितनी बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, जितनी बॉन्ड लेंथ शॉर्ट बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू उतनी ज्यादा। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि भाई किसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्ट है, कौन सा छोटा आइटम है, तो बॉन्ड एनर्जी से पता लगा सकते हो आप लोग, और ऐसा क्वेश्चन आया भी है। देखो जिसकी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू हाई है उसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्ट होगी, जो बॉन्ड की लेंथ होगी बेटा शॉर्ट होगी। ठीक है, तो अब देखो मल्टीपल बॉन्ड जो होते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड, उनकी बॉन्ड शॉर्ट है और बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, तो बॉन्ड एनर्जी तो बॉन्ड लेंथ ऑफ मल्टीपल बॉन्ड शॉर्टेस्ट, ठीक है, इसलिए बॉन्ड एनर्जी मल्टीपल बॉन्ड की ज्यादा होगी। बेटा देखो बॉन्ड लेंथ जो मल्टीपल बॉन्ड की बेटा शॉर्ट है देन सिंगल बॉन्ड, सो बॉन्ड एनर्जी ऑफ मल्टीपल बॉन्ड मल्टीपल कहते हैं डबल ट्रिपल बॉन्ड को, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इज मोर। अब देखो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बेटा, इसकी बॉन्ड लेंथ है 1.20 और जो एनर्जी है 820 है किलोजूल, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इसकी बॉन्ड लेंथ है 1.34 और जो एनर्जी है 598। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इसकी बॉन्ड लेंथ है 1.54 और एनर्जी कितनी है 347 किलोजूल पर मोल। तो अब देख लो, नोट कर लो, ये सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ लार्जर है, लॉन्गर बॉन्ड लेंथ है तो एनर्जी कम है, इसकी बॉन्ड शॉर्ट है तो एनर्जी बढ़ गई, इसकी बॉन्ड लेंथ और शॉर्ट हो गई तो एनर्जी बढ़ गई। तो बेटा ये आपको बॉन्ड एनर्जी की वैल्यूज आपको देखनी पड़ेगी पंजाब के सिलेबस से, पंजाब के सिलेबस से आपको बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू देखनी पड़ेगी, और कुछ मालिक्यूल्स की बॉन्ड एनर्जी आप याद करें। देखो बॉन्ड एनर्जी इनकी आपको याद करनी पड़ेगी, किसकी, क्लोरीन क्लोरीन, क्लोरीन फ्लोरीन, ठीक है ब्रोमीन आयोडीन, इनकी क्या है, ताकि आपको पता चले कि फ्लोरीन इनकी रिएक्टिविटी कार्डर का भी पता चल जाएगा, या हाइड्रोजन की बॉन्ड एनर्जी, नाइट्रोजन की बॉन्ड एनर्जी, ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी, ये आपको वैल्यू याद करनी पड़ेगी बॉन्ड एनर्जी की। ठीक है, जो मुख्तलि वैल्यूज हैं उनको थोड़ा देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू किसकी ज्यादा है किसकी कम है। ठीक है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड,
कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इनकी बॉन्ड जी वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे बॉन्ड एनर्जी भी हो गया है। इसके अंदर डायपोल मूवमेंट नहीं है टॉपिक के अंदर बेटा, डायपोल मूवमेंट नहीं है इसके अंदर सिलेबस के अंदर। और कल पढ़ेंगे हम सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पढ़ेंगे, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद आखिर में पढ़ेंगे शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, क्योंकि शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स लास्ट में सही रहेगा हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने के बाद।